बिग बॉस के घर में सुंबुल तौकीर खां और टीना दत्ता के भिड़ंत के बीच फैंस ने कह दिए बड़ी बात। सुंबुल को लेके फैंस ने लताड़ा टीना दत्ता को और रख दी कुछ ऐसे फैक्ट जिसको जानकर आप भी शॉक हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, बिग बॉस के घर में सुंबुल तौकीर खां को एक बार फिर निशाने पर ले चुकी हैं टीना दत्ता, लेकिन इस बार उनका पासा बिल्कुल उल्टा पड़ गया है। टीना दत्ता को जमकर चौतरफा घेर दिया गया है। सुंबुल तौकीर खां के फैंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सभी लोग सुंबुल के एक बार फिर साथ आ गए हैं और टीना दत्ता को जमकर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करेंगे जो शायद आप भी न जानते हो या फिर आपको जान के बहुत हैरानी होगी। टीना दत्ता के फैंस के लिए भी एक बड़ी फटकार सा होने वाला है। तो इस वीडियो को मैं चाहूंगा आप सभी लोग लाइक कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, सुंबुल तौकीर खां को टीना दत्ता बिग बॉस में जिस तरीके से प्रवोक करती हुई नजर आ रही हैं, इस पे हम कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे। दरअसल टीना दत्ता को सबसे पहले तो सुंबुल तौकीर खां को उन्होंने ये कहा कि वो पापा के कंधे पे बंदूक रख के चलाती हैं, यानी कि तौकीर खां साहब का नाम फिर से एक बार घसीटा गया, जिसमें सुंबुल तौकीर खां को बहुत बुरा लगा। जाहिर सी बात है भाई, किसी भी माता पिता पर बार बार नहीं जाना चाहिए और टीना दत्ता ये फिर एक बार करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन फिलहाल के लिए सुंबुल तौकीर खां ने यहाँ पर भी उनको माफ़ कर दिया। अब जो फैंस कह रहे हैं, मैं वही कुछ आपके सामने फैक्ट रखने वाला। फैंस की माने तो फैंस का ये कहना है सुंबुल तौकीर खां को वो धोक दिखाती हुई नजर आए टीना दत्ता की, वो एक बड़ी स्टार है। लेकिन टीना ये बात भूल गई कि टीना दत्ता गुजरी हुई स्टार है। टीना दत्ता की आज की कोई भी इमेज नहीं है, वो उतरन का जो समय था वो अब खत्म हो चुका है। और अगर आप कंपेयर करो सुंबुल को और टीना से, तो टीना का कंपेरिजन जो है बिल्कुल भी सुंबुल के साथ नहीं हो सकता। सुंबुल तौकीर खां भी बिल्कुल यंग एज लड़की और उसने छोटी सी उम्र में जो जो काम और मुकाम हासिल किया है वो शायद टीना दत्ता नहीं कर पाती। टीना दत्ता के पास एक बड़ा बैक सपोर्ट था, सुंबुल के पास कोई भी बैक सपोर्ट नहीं था। सुंबुल ने बिल्कुल एकदम ज़मीन से लेके स्टार बनी है वो, जिसके चलते लोग ज़्यादातर फेवर करते नज़र आते हैं सुंबुल तौकीर खां के। आज तक ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी लिस्ट, जो कि एक एशिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटियों में शुमार होता है, इस लिस्ट में मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि एशिया के न केवल इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश या फिर जापान या चाइना के, पूरे एशिया के सभी स्टार्स को, सभी सेलिब्रिटीज़ को इंक्लूड किया जाता है। ये मुझे ऐसा लगता है कि टीना दत्ता के लिए एक सपने जैसा होगा और टीना दत्ता कभी सपने में भी ये लिस्ट में नाम लाने का नहीं सोच सकती। सुंबुल तौकीर खां की मासूमियत और सुंबुल तौकीर खां की फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा लार्ज है, उनके काम को लोगों ने सराहा है, चाहे वो डांस हो चाहे वो एक्टिंग हो, सुंबुल ने हर काम दिल से किया है। इसी के लिए वो आज ग्लोबल एशियन सेलिब्रिटी लिस्ट में टॉप 50 में शुमार है, जहाँ पे बड़े बड़े सुपरस्टार, चाहे दीपिका पादुकोण हो, सुपरस्टार शाहरुख खान हो, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन का नाम शुमार है, उस लिस्ट में सुंबुल तौकीर खां को शामिल किया गया है। और इससे बड़ी अचीवमेंट मुझे नहीं लगता है कि फटकार लगाने के लिए टीना दत्ता को चाहिए होगी। टीना दत्ता का आज तक कोई भी ऐसा बड़ा अचीवमेंट किसी ने नहीं देखा है। इसके अलावा टीना दत्ता ये कहती हैं सुंबुल तौकीर खां को कि वो टीना दत्ता हैं, लेकिन वो शायद ये बात भूल गई कि सुंबुल तौकीर खां आज के डेट में उनसे भी बड़ी सुपरस्टार हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, टीना दत्ता ने कई सारे शोज किए हैं, कुछ रियलिटी शो किए हैं, कुछ कॉमेडी शो भी किया है, लेकिन टीना दत्ता को आज तक भी देश में, घर घर में वो पहचान नहीं मिल पाई जो महज 1.5 साल में सुंबुल तौकीर खां ने कमा लिया है। और अभी भी वो एक टीन एज में उन्होंने कमाया है, जबकि टीना दत्ता की उम्र निकल चुकी है। अब आपके सामने हैं ये कुछ वो फैक्ट जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, ये तो कुछ वो फैक्ट्स थे जो टीना दत्ता को उस फटकार लगाने के लिए ज़रूरी था। और फैंस की तरफ से भी सुंबुल तौकीर खां के सपोर्ट में लोग इस तरीके की बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या आप भी हमारे इन फैक्ट से इत्तेफाक रखते हो? क्या आप मानते हो कि वाकई सुंबुल ने जो इतने छोटी उम्र में अचीव किया है वो टीना दत्ता 7 जन्मों में भी नहीं कर सकती? आखिर उसको इतना घमंड क्यों है? टीना दत्ता का घमंड जो है वो चकनाचूर होना चाहिए और सुंबुल तौकीर खां को इसी तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए। बताइएगा ज़रूर आप क्या चाहते हैं, अपना ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ना आप सभी लोग कमेंट कीजिए और जिसका सबसे अच्छा कमेंट होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, उस कमेंट को मैं पिन करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप जाइए फटाफट कमेंट कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।